यहाँ पे सफर छोड़ती हुई नजर आएगी। 19 मिनट हो चुके हैं इस गेम में एंड अब पांचवा सर्कल बन चुका है। बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जिनको सर्कल में जाना है, सर्कल कंप्लीटली ओपन बना हुआ है, सर्कल में ज्यादा पोजीशनिंग नहीं है। टीम लाइफक्राफ्ट फाइट लेती हुई टीम टमाटर के साथ और दोनों तरफ से थ्रोएबल्स एक्सचेंज हो रहे हैं बट मैं को थोड़ा डैमेज होगा। दीप इज गोना टेक डाउन टू प्लेयर्स, गातक और ज़ीकॉन दोनों को पनिश किया एंड नाउ इट्स द एडवांटेज फॉर लाइफक्राफ्ट। बट क्या वो किल फीड पे नजर रखा है? अगर उन्होंने रखा है तो जानते हैं दो प्लेयर्स टीम टमाटर के डाउन है एंड नाउ इज द टाइम टू पुश। बिल्कुल यहाँ पर पुश करना चाहिए एलक्राफ्ट की टीम को बट इनसेन के दीप कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, दो प्लेयर्स को स्मोक करके दिवावत देने की कोशिश यहाँ पर अपनी अभी करनी पड़ रही है, उसका आधा से ज्यादा क्रेडिट यहाँ पर इनसेन के दीप को जाता है। बट ऑफ गार्ड एंगल पर जाते हुए यहाँ पर क्लच गॉड की कड़ी नजर अभी भी एलक्राफ्ट के उन खिलाड़ियों के ऊपर। देखना चाहूंगा यहाँ पर अभी के लिए किस तरीके से फाइनल करा पाती है। हीरो भी यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, इनसेन दीप यहाँ पर ना सिर्फ टीम टबर आपको डाउन कर रहे हैं, टीएसएमएफ टीएस के प्लेयर्स को भी डाउन कर देंगे। स्पॉट गया यहाँ पर अभी के लिए मेरे काफी अच्छा एक्शन निकल कर आता हुआ, टबर टबर इज ऑन अ रोल। देखना चाहूंगा कि एलक्राफ्ट में किस तरीके से भारी पड़ पाती है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर दो प्लेयर्स नॉकडाउन की, दोनों को रिवाइवल मिल चुका है। ओह दैट्स अ बिग कमबैक, दैट्स अ ह्यूज वन। कोशिश काफी अच्छी टीम के पास आपकी यहाँ पे सर्वाइव करने की बट इसी बीच टीम टीएसएम और एनिमा दो प्लेयर जाते हैं। प्लेयर नंबर 1 इज गेट डाउन वन स्मोक मिस फीट टेक्स डाउन शिनचैन एज़ वेल। नाउ इट्स अ वन, इट्स अ 2v4 एंड टीम लाइफ का प्लेयर डिसएडवांटेज। कोशिश अच्छी प्लेयर नंबर 1 की टू टेक डाउन थर्ड वन एज़ वेल एंड शायद रीलोड को भी बहुत सारा डैमेज यहां पे किया है। आई थिंक आप क्लोज रेंज में 1v3 तो बहुत बार देख चुके हैं बट यहाँ पर क्लच गॉड ने मिड रेंज के अंदर ही तीन प्लेयर्स को नॉक कर दिया है। क्या यहाँ से घातक स्लैमेट डाल पाएंगे? डालना तो चाहिए, ग्रेनेड हाथ में कुक करेंगे तो बेहतर ऑप्शन रह सकता है। एलक्राफ्ट डूड यहाँ पर अभी के लिए एक अकेले खिलाड़ी थे जिन्होंने शिनचैन को भी रिवाइवल दे दिया। नाउ दे आर टू मैन स्ट्रॉन्ग बट दे आर ट्रैप्ड इनसाइड दैट शॉट। घातक हैविंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट डाउन। नाउ इट्स टाइम टू रैप बिकॉज़ ही इज आल्सो हैविंग एन F24 एंड वी गॉट अ विटनेस, विल ही बी एबल टू गेट हिम डाउन? आई थिंक यस। घातक और यहाँ पर टीम डूड के साथ एक रैंडम गेम की फाइट डाउन कर देते हैं, मुश्किल है। बाकी प्लेयर्स तो बढ़ा रहे बट ये अपने लिए और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ा रहे हैं। ब्लाइंड के खिलाड़ी आज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 7 फिनिश पॉइंट्स वहां पर उस सोले अकेले प्लेयर के पास और पूरी टीम के पास 12 बेहतरीन फिनिश पॉइंट्स आ चुके हैं। आते यू गो क्लच गॉड गोस आउट एज़ वेल, टीम का बड़ा एलिमिनेशन ऑन द 7th स्पॉट। आज का दिन उतना बढ़िया नहीं रहा जिस तरीके से कैरी कर आते हैं पूरे रेगुलर टूर्नामेंट्स के अंदर अपने आप को बट दिस टीम इज लुकिंग अनस्टॉपेबल।